हम इस चुनाव में विकास के मुद्दे लेकर के आपका समर्थन चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयों की ओर हिंदुस्तान को ले जाना चाहती है। हिंदुस्तान में दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का, आदिवासियों का, वंचितों के विकास का दशक होने वाला है, उनके हकों की रक्षा का दशक होने वाला है। ये मैं आज आपको मेरा इरादा साफ कर देता हूं भाई। आईटी फील्ड वुड बी अ ग्रेट प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन दिस रीजन विथ यंग एंड ब्राइट बॉयज एंड गर्ल्स। मणिपुर कैन डू वंडर्स इन द फील्ड ऑफ आईटी सेक्टर। ये रिमोट एरिया नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में नहीं हो सकता है, कई फार्म में वो काम खड़ा नहीं हो सकता है। यही मणिपुर के अंदर यहां के नौजवानों को इस प्रकार के यूनिट प्रस्तावित करके रोजगार नहीं दिया जा सकता है। और अगर यहां देंगे तो इतना कम खर्चे में होगा कि कंपनियों को ज्यादा मुनाफा होगा। क्या भाइयों बहनों, मेरे उत्तर प्रदेश के किसानों, गन्ना की खेती करने वाले किसान, क्या उनकी भलाई के लिए हम नई सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते क्या? अटल जी के काम जहां जहां पर रुके हैं उन सब कामों को हम दोबारा शुरू करेंगे। जैसे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दी, नई भाजपा की सरकार प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को लागू करेगी। भाइयों बहनों, काश अच्छा होता, काश अच्छा होता भाइयों बहनों कि सेपरेट स्टेट बनाने के सपने देखने के बजाय सुपर स्टेट बनाने के सपने देखे होते। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें सपना दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें रास्ता दिखाया है कि जम्मू कश्मीर को सुपर स्टेट बनाना है, सुपर स्टेट बनाना। देश के सभी राज्यों में, उसमें भी जहां ये स्पेशल प्रोडक्ट होती है वहां पर हमने पैकेजिंग इंस्टीट्यूशन चालू करना चाहिए और वहां के नौजवानों को पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए प्रेरित करना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। अगर जैसे चिकमंगलूर में काफी है, अगर चिकमंगलूर में अच्छी पैकेजिंग इंडस्ट्री हो, चिकमंगलूर में पैकेजिंग के लिए अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, तो रोज नए नए प्रकार के पैकिंग से हमारी यहां की कॉफी दुनिया के बाजार में बिकने लग जाती। लेकिन उनको ये करना आया है।